नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि आप फ्लैट लेना चाहिए या आपको विला लेना चाहिए या आपको अपना प्लॉट लेके खुद घर बनाना चाहिए। मैं स्टार्ट करता हूँ फ्लैट से। फ्लैट में ना छत अपनी होती है ना अपना आसमान होता है। सेकंड चीज़ अगर बात करें तो फ्लैट में 2 BHK अगर फ्लैट है तो वो 2 BHK फ्लैट ही रहेगा। अगर हमारी फैमिली बढ़ती है तो फ्लैट नहीं बढ़ता, कभी भी 2 BHK ही रहेगा। थर्ड थिंग, फ्लैट के बारे में बात करें तो ऐसा लगता है कि हम रेंट से रह रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे मेंटेनेंस का 4 से 5 हज़ार रुपये का जो है चार्ज वो देना होता है, तो ऐसा फील होता है कि हम रेंट से रह रहे हैं। और एक और बात मैं बताऊँ तो फ्लैट की जो ग्रोथ होती है, ग्रोथ वो बिल्कुल नहीं होती। सपोज करो आपने 20 लाख का एक फ्लैट लिया, उसके जस्ट बगल में 5 साल बाद एक और फ्लैट की बिल्डिंग बन गई, वहाँ पे भी 20 लाख का फ्लैट बन रहा है, तो लेने वाला इंसान आपको फ्लैट क्यों लेगा? वो फ्लैट उसको लेगा ना, नया बनाए वही 20 लाख में मिल ले रहा है, तो आपका फ्लैट की रेट जो है बिल्कुल कम हो जाएगी, इसलिए आप फ्लैट नहीं लें। सेकेंड चीज़ आती है मकान ले या विला ले। होता क्या है, बिल्डर जो भी वास्तु अनुसार मकान बना के देता है तो वो अपने हिसाब से रहता है, नक्शा कलर वलर जो भी चीज़ें हैं वो आपके हिसाब से बिल्कुल नहीं रहती और आपको एडजस्ट करना पड़ता है। सेकंड थिंग बात करें तो आपको बोल देगा हैवेल्स की लाइट है, ये सरिया है, ये सीमेंट है, ये मटेरियल है, लेकिन आप अपना दीवार तोड़ के या आप खोद के कुछ चेक थोड़ी करोगे कि जो बिल्डर बता रहे उसकी बातों पे यकीन करोगे? और बिल्डर असली के पैसे लेता है और चीज़ें लोकल डालता है, यही वो मार्जिन रहता है। सेकंड थिंग क्या है, बिल्डर 100 गज के प्लॉट को 35 से 40 लाख का देगा आपको, लेकिन आप खुद बनाओगे तो 25 से 30 लाख में अच्छा शानदार प्लॉट बन जाएगा, लेकिन बिल्डर आपको ऐसा नहीं बना के देगा जैसा आप बनाओगे। सेकंड चीज़, अगर आप बनाते हो किसी बिजी हो लेकिन आप कॉन्ट्रैक्टर को देते हो, तो आप कभी भी जाके जो आपने कॉन्ट्रैक्टर के साथ में एग्रीमेंट किया है, आप उस साइट पर जाके वो चीज़ें चेक कर सकते हो, मटेरियल चेक कर सकते हो कि जो आपने एग्रीमेंट साइन किया है वो लगा रहा है नहीं लगा रहा। और प्लॉट ऐसी चीज़ है जो कि ग्रोथ बढ़ती रहती है। प्लॉट आज 10 लाख का लिया, आने वाले टाइम में 20 लाख का हो जाएगा। आपने सुना होगा या आपके बड़े बुजुर्गों ने बोला होगा कि जयपुर में मानसरोवर में एक टाइम पे यहाँ पे जंगल था और ऐसा प्लॉट मिल रहा था, और आज वो प्लॉट इतना बड़ा महंगा हो गया। वही चीज़ है, प्रॉपर्टी में आप करोगे इन्वेस्ट, खुद प्लॉट लेके अगर बनाओगे वो एक अलग ही मज़ा है, एक फ्रीडम फील होगा। और एक एक ईंट आप रखोगे जब अपने घर की पहली नींव की, तो आपको अलग ही फील होगा, क्योंकि घर एक बार प्लान करता है मिडिल क्लास, तो इसलिए आप कपड़े की शॉप पे जाते हो, एक सिलाया कपड़ा और एक दर्जी सिल के देता है आपको फिटिंग के साथ में, तो आपको पता है जब सिलाया कपड़ा लेते हैं तो उसमें हमें एडजस्ट करना पड़ता है, कभी साइज़ में या लंबाई में या चौड़ाई में। सेम पैटर्न घर का है, तो अगर बिल्डर घर बना के दे रहा है या फ्लैट बना के दे रहा है उसमें हमें एडजस्ट करना पड़ता है, लेकिन हम दर्जी से सिलवाए, जैसे कॉन्ट्रैक्टर से हम अपना घर प्लॉट बनवाए, तो उसमें एडजस्टमेंट नहीं करना होता। सारी चीज़ें हमारे अनुसार रहती है, हमारे रूम, हमारा डाइनिंग रूम, हमारा किचन, हमारा बाथरूम, एवरीथिंग हमारी दिशानुसार वास्तु अनुसार रहती है। बिल्कुल सेम पैटर्न अगर देखोगे तो हमारी पेंट की लंबाई, उसकी मोहरी, उसकी कमर हमारी तरह रहती है, जो हम बोलते हैं उसको सेम कॉन्ट्रैक्टर करता है। अगर आप अच्छे कॉन्ट्रैक्टर से बनाओगे, तो अगर आप हमसे बनवाना चाहते हो तो मेरे नंबर है 9828987171 पे कॉल कर सकते हो। अधिक जानकारी के लिए मुझे व्हाट्सएप पे हेलो करें, मैं डिटेल वगैरह भेज दूँगा जो हमने काम किया है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।